आई कुडंट इवन मूव. एक बार तो रात को यू नो आई बेंट और मैं बेंटी होके रह गई. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ माय एक्ने जर्नी का सीरीज़. इससे पहले मैं दो पार्ट आपको बता चुकी हूँ. फर्स्ट जिसमें मैंने एजलिक एसिड के बारे में बताया था, मेरा 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस. सेकेंड पार्ट में वी हैव टॉक अबाउट द आइसोट्रेटिनॉइन का एक्सपीरियंस. एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपनी थर्ड मेडिकेशन के बारे में, जो आफ्टर आइसोट्रेटिनॉइन मेरी डर्मैट ने मुझे प्रिस्क्राइब करी थी. नाउ बिफोर आई टेल यू अबाउट माई थर्ड मेडिकेशन का एक्सपीरियंस, वहाँ से आपको बताती हूँ कि जब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप आइसोट्रेटिनॉइन बंद कर दो, तो अगर आपने वो पार्ट देखा है, मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या हुआ था कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स था वो बढ़ गया था, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे को वो दवाई बंद करनी पड़ी थी. नाउ उस वीडियो पे एक मुझे कमेंट ऐसा आया था जिसमें समबडी वाज लाइक यू नो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यू नो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोलिंग वाली आप मेडिसिन ले सकते हो, साथ में आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, देर आर सो मैनी वेज, जो भी है. बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यू डोंट नो वट इज़ गोइंग इन साइड मी. ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ 50% है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंटरनली जो मेरे साथ हुई हैं और हो रही हैं, विच आई एम नॉट येट कम्फर्टेबल टू स्पीक आउट लाउड इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. मैं अभी उस चीज़ के लिए कम्फर्टेबल नहीं हूँ शेयर करने के लिए, तो वो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी. बट होपफुली जब भी कभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत आएगी और मुझे लगेगा कि हाँ वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी. बट अभी आई फील इट्स नॉट द राइट टाइम. मैं आपको अपनी दो ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो साथ के साथ मेरी चल रही थी, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें इंटरनली भी होती हैं. ऑलरेडी मैं दो पार्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ जो हुई हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हो रही थी. नाउ मेरे को हेडेक का प्रॉब्लम बचपन से है. लाइक जब भी मैं रोती थी या जब भी मैं गुस्सा करती थी, मेरा बीपी हाई लो ये फ्लक्चुएशन चलती रहती थी. मेरी नर्व्स यहाँ से स्वेल हो जाती हैं, दिस एरिया ये बहुत गंदे से स्वेल हो जाता है. मेरे को बहुत गंदा सर दर्द होता था. तो जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम और मेरी जॉब के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने एक डॉक्टर को चेक कराया था एंड ही सेड कि आपकी नर्व्स का डायमीटर कम है, तो जब भी जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो स्वेल हो जाती हैं, दैट्स व्हाई आपको पेन होता है. ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू रिलैक्स, गुस्सा मत करो, रो मत. बट ये चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो बिकॉज वी आर ह्यूमन और ये ह्यूमन नेचर है रोना गुस्सा. सो वो सब चलता चला था, ठीक है. बट प्रॉब्लम मेरी इंक्रीज कैसे हुई, लास्ट ईयर इफ़ यू रिमेंबर व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, जब पापा चले गए थे उसके बाद मेरी प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई थी. बिकॉज इफ़ यू गाइज नो, आपको पता है कि पापा मेरे पास थे उस टाइम, मम्मी पापा मेरे पास आए थे और मेरे हाथों में ही ऐसे उन्होंने अपनी यू नो ही लेफ्ट अस राइट, तो ऐसे थे मेरे हाथों में जब वो गए हैं. तो उसके बाद का जो होल प्रोसेस था कि उनको यू नो हम उनकी बॉडी को अपनी गाड़ी में पीछे रख के हमने पूरा सफ़र किया था, 8-10 घंटे का बच्चे के साथ, रात के टाइम 12-1 बजे के आसपास का वो टाइम था. तो वो सब देखा था एंड वो चीज़ें मेरे माइंड में एक रील की तरह घूमती थी डेली. जब भी मैं सोने की कोशिश करती थी वो रील चलती थी मेरे दिमाग में, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे बुलाया, ऐसे उठा के नीचे लेके गए, ऐसे हुआ ये, और मम्मी ऐसे रोई, ऐसे हुआ, वो सारी चीज़ें कहीं से भी कुछ बात मेरे दिमाग में चलती थी और वहीं से वो रील एकदम से चलनी शुरू हो जाती थी, एक रील की तरह, एक वीडियो की तरह प्ले होना शुरू हो जाती थी. तो वो चीज़ मेरे साथ चलती रही 4-5 महीने. इट टुक अराउंड 4-5 मंथ्स टू यू नो वो हुआ. पर अभी भी जैसे कई बार अगर वो बाई चांस आ जाती है कोई भी एक बात या, तो पूरी रील दोबारा रिपीट होती है. तो वो उस चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया. नींद नहीं मेरे को ज़्यादा अच्छे से आती थी और उससे मुझे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो गया. तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, ही सेड कि यू हैव एंग्जाइटी का इशू और यू हैव टेम्पोरल माइग्रेन. फिर मैंने वो मेडिसिन ली, फॉर 5 मंथ्स मैंने कंटिन्यू मेडिसिन ली, बट फिर उस मेडिसिन से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. तो उसके बाद मैंने वो बंद कर दी बिकॉज उससे मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, मेरा वेट गेन हो गया, मेरे पीरियड्स कैंटी हो गए जो पहले नहीं थे, उसके बाद मेरे पीरियड्स कैंटी हो गए. और यू नो मुझे ये होता था कि मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, तो इट्स बेटर कि मैं प्रिकॉशन ही ले लेती हूँ बिकॉज ट्रीटमेंट तो मुझे लग नहीं रहा कि इसका कोई मुझे ट्रीटमेंट लग रहा है.
तो एंग्जाइटी को कम करने के लिए जो भी चीज़ें मुझे करनी पड़ी मैंने वो करी। मैंने माइग्रेन का तो बस यही है कि ये किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो जाता है, लाइक इट्स डिपेंड कि किसका किस कैसे ट्रिगर होता है। इन माई केस मेरा लाइट सेंसिटिव, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं लाइट डायरेक्ट नहीं दे सकती। अभी मैंने ये रिंग लाइट लगाई है तो मैंने ये साइड पर लगाई है सो दैट इधर सामने मेरी आँख पर ना पड़े, बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट लाइट। पर अभी मेरा काम है तो आई हैव टू, बट जैसे मैं ये शूट करके हटती हूँ मेरा शाम तक रात तक जब तक मैं सो नहीं मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता। तो ये एक चीज़ है, एक लाइट से ट्रिगर होता है, एक साउंड से ट्रिगर होता है, एक मूवमेंट से ट्रिगर होता है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरा सिर चकराने लग जाता है, गुस्सा रोना वो तो एक अलग चीज़ है, बट ये चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर देती हैं। सो माइग्रेन इज़ द थिंग, वो मेरे साथ चल रही थी। और साथ के साथ आई वॉज़ विटामिन डी डेफिशिएंट। अभी जब ये मेरा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हुआ था उस टाइम पे मेरा विटामिन डी का डेफिशिएंट हो गया मेरा। अब आप लगाओ कि जो वैल्यू 75 से 100 के बीच में होनी चाहिए एक्चुअल में, वो मेरी कम से कम होके 16 आ गई थी। एंड मेरी हड्डियाँ ऐसे चुर चुर हो रही थी, लाइक आई कुडंट इवन मूव। एक बार तो रात को यू नो आई बेंट और मैं बेंट ही होके रह गई। उस दिन मैं बहुत डर गई कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। उसके बाद आई टुक विटामिन डी के शॉट, मैंने इंजेक्शंस लिए, देन 3 मंथ्स का मैंने विटामिन डी का कोर्स किया। देन फाइनली अब मेरा एक नॉर्मल रेंज में विटामिन डी आया है। नाउ आई फील एक्टिव, अदरवाइज सुबह उठते यू नो थकान, हाथ नहीं चल रहे, खाना नहीं बना पा रही, कुछ भी नहीं कर पाती थी। सो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। तो उस टाइम पे आई वॉज़ नॉट एबल टू यू नो डू मच। तो उस टाइम पे शी पुट मी ऑन दिस मेडिकेशन। ये 3 मंथ का मेडिकेशन था और एज वेल एज मैंने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लिए थे, विच वॉज दिस वन। ये वाली लेती थी मैं विटामिन डी की, और इसके साथ इसमें कैल्शियम भी है, आई थिंक विटामिन डी भी है। उन्होंने जो मुझे प्रिस्क्राइब करी थी वो थी ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये मेरे को 3 मंथ्स के लिए लेनी थी। ये 21 टैबलेट्स थी, इस तरह का ये पैकेट था जिसपे यहाँ पे लाइक डेज वाइज लिखा हुआ है, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे। तो ये 21 डेज के लिए मुझे लेनी थी, देन आई हैव टू स्टॉप फॉर 7 डेज एंड देन आई हैव टू स्टार्ट द साइकिल अगेन। तो ये थी मेरे हॉर्मोन्स को ठीक करने के लिए, बिकॉज मेरा हॉर्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए शी पुट मी ऑन दिस मेडिकेशन। तो जैसे ही मैंने आइसोट्रेटिनॉइड बंद कर दिया था और ये वाली मेडिकेशन स्टार्ट कर दी थी, मेरे एक्ने स्टॉप हो चुके थे बाय दैट टाइम। और सिंस आई वॉज टेकिंग दीज, मुझे कोई एक्ने नहीं निकला, मेरे एक्ने बिल्कुल बंद हो गए थे। बस हार्डली आई रिमेंबर, एक दो बार मेरे को छोटे छोटे यहाँ एक आधा निकला था, वो मे बी जो पहले का एक कोमेडोन बना हुआ था उसी ने निकलना था जो निकल नहीं रहा था, और वो निकल के फिर यहाँ पे एक दो पिंपल्स बने थे, दैट वाज इट। वही था, अदरवाइज मुझे कोई एक्ने का प्रॉब्लम नहीं हुआ सिंस आई वाज टेकिंग दीज। कोई और प्रॉब्लम भी नहीं आई, मेरे पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं मैं बोलूँगी, बट हाँ उतने जितने स्कैंटी पहले थे उतने स्कैंटी नहीं थे, इस बार अच्छे रहे, 2 महीने से ठीक था। तो अभी आई होप कि आगे भी वो ठीक रहेगा। नाउ आई हैव लेफ्ट विद ओनली मार्क्स, एज आई सेड मैंने पिछले वाले पार्ट में भी यही बोला था कि आई एम जस्ट लेफ्ट विद मार्क्स। तो अभी मैं मार्क्स को लाइटन अप करने में लगी हुई हूँ। शी टोल्ड मी कि आप एजलिक एसिड दोबारा से लगा लो, बट मैं अभी उस वो नहीं लगाना चाहती, बिकॉज आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मैंने लगाया था तो मुझे रेड मार्क्स छूट गए थे। देन शी वॉज लाइक कि आप मॉइस्चराइज़र के साथ लगाना, इस बार तो नहीं होगा, बट स्टिल अभी मैं एक बार उनको दिखाना चाहूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। बट आई फील अभी मैं खुद से जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ अपने मार्क्स के लिए, दैट हैज़ बीन वर्किंग, बिकॉज इट टुक टाइम, बिकॉज जो ये मार्क्स है दीज आर डीप, तो उनको टाइम लगेगा हील और ठीक होने में, बट काफ़ी हद तक 50% लाइट हो चुके हैं, 50% बचे हैं वो भी हम लाइट कर ही लेंगे। बट स्टिल एक बार जब मैं घर जाऊंगी, जब छुट्टियों में जब मैं घर जाऊंगी तो मैं ऑफ कोर्स डॉक्टर को दिखा लूंगी। टुडे इज़ 5th जून है आज, तो देखूंगी जब भी मेरे को मौका मिलेगा घर जाने का, तब मैं जाके उनको एक बार दिखा लूंगी, एक बार वो पर्सनली देख लेंगी कि हाँ कितना क्या है, देन वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। तो जो भी वो कुछ ट्रीटमेंट अगर बताएंगी तो आई विल शेयर दैट इन द नेक्स्ट पार्ट। बट मेरे एक्ने मार्क्स को कैसे ठीक कर रही हूँ, इफ़ यू वॉन्ट दैट पार्ट तो वो भी मुझे बताना। अदरवाइज स्किन केयर रूटीन वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं अभी, आई डोंट नो, शूट मैंने करनी है अभी, तो मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब डालूंगी,
या इससे पहले वो आप वीडियोस देख चुके होगे या इसके बाद आप देखोगे, अगर डाल दी होंगी तो मैं यहाँ पिक्चर डाल दूंगी, ये लिंक्स दे दूंगी, आप वो चेकआउट कर लेना। तो उसमें मैं आपको अपनी जो मेरी करंट मॉर्निंग स्किन केयर, नाइट स्किन केयर, वीकली स्किन केयर है उस पर आपको डाल दूंगी जो भी है। और साथ के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरा स्किन बेटर हो रहा है और मार्क्स लाइटन अप हो रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किन केयर, इट्स बिकॉज ऑफ जो मैंने मेडिकेशन ली है वो भी है, साथ के साथ स्किन केयर भी है। बट 50-60% और 70% आई फील जो मैंने अपनी डाइट मेंटेन करी है और जो मैं अभी डाइट में मैं हूँ, जिस डाइट में जो मैं खा पी रही हूँ, आई फील डाइट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन माई स्किन केयर गेम। सो या इफ़ यू इंटरेस्टेड टू सी दैट एज वेल तो वो भी मुझे बता देना, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। सो या आज के पार्ट में इतना ही था, मुझे यही बताना था कि आई वॉज ऑन 3 month का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रिस्क्रिप्शन। यूजली ये आपके एक्नेस को और हॉर्मोन्स को ठीक करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। अगेन आप ऐसे ही उठा के कहीं से भी उठा के खा मत लेना, ऑलवेज ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर टेकिंग एनी प्रिस्क्रिप्शन और एनी ओरल मेडिकेशन। और कुछ भी अगर आप ऐसे सुनी सुनाई बात उठा के किसी की भी ले मत लेना, ऑलवेज ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं तो हर बार यही बोलूँगी। सो या आई होप यू फाउंड दिस एक्सपीरियंस ऑफ माइंड लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।